अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है, क्या फीमेल्स जो होती हैं वो कम एजुकेशन के साथ दुबई में जॉब कर सकती हैं, और अगर कर सकती हैं तो ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं जिनको वो यहाँ पर आके हासिल कर सकती हैं। इससे ये है कि उनकी एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं मोस्टली पाकिस्तान या इंडिया में होते हैं, तो वो लोग चाहती हैं कि अगर हमारी एजुकेशन जो है वो अगर इतनी कम है, क्योंकि वो इंडिया या पाकिस्तान में रह के इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पाती हैं, तो उनको ये होता है कि अगर हम मतलब दुबई जाएं और दुबई जाकर कुछ हम अपनी जॉब वगैरह लगा के अपने लिए खूब सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो हाँ, आप लोग कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जहाँ पे आप ये सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूँगी, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा आप लोग। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर सबसे पहले जॉब की बात करते हैं तो वो है हमारी रिसेप्शनिस्ट की जॉब, जो कि आपको वहां पर ज्यादा काम तो नहीं होता है, बस हाँ आपको इतना होता है कि आपको वहां पर टाइम ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका बेसिकली पूरे दिन का काम ये होता है कि आपको फोन कॉल्स अटेंड करने होते हैं, आपको जो विजिटर्स होते हैं उनको हैंडल करना पड़ता है, या फिर आपको मेनली शेड्यूल करने पड़ते हैं अपॉइंटमेंट्स। तो यही सारे काम होते हैं रिसेप्शनिस्ट के, लेकिन इसके साथ आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो आपके अच्छे होना चाहिए। अगर एजुकेशन आपके पास कम है, तब आपको अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन पर वर्क करके आना होगा, तभी आपको यहाँ पे जो है एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब में काफी अच्छा पैसा अर्न कर पाओगे आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी जॉब की, वो होते हैं सेल्स असिस्टेंट। तो इनका क्या काम होता है सेल्स असिस्टेंट का? मेनली आपको जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उनको लुकआउट करना होता है, और आपका जो काम होता है वो रिटेल स्टोर्स पर होता है। बेसिकली आपको जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रमोट करने होते हैं, और जो सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको हैंडल करना होता है। तो ये काम होता है आपका इसमें। ठीक है, तो इस रोल के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी नहीं है कि हाँ आपको हाई एजुकेशन ही आपके लिए यहाँ पे काम करेगी। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मैंने आपको पहले वाले रोल में बताया था कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को अपनी बात अच्छे से समझा सको और उसकी बात अपने आप से अच्छे से समझ सको। क्योंकि यहाँ पर जो है डिफरेंट कंट्रीज के लोग होते हैं जिनको हिंदी या पाकिस्तानी में उर्दू लैंग्वेज वगैरह नहीं आती है, तो वो लोग क्या करते हैं वो करते हैं इंग्लिश प्रेफर। तो एटलीस्ट आपको उनको समझाना आना चाहिए और उनकी जो बातें हैं वो समझना आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप किसी की बात नहीं समझ पा रहे हो तब आपको वहां पे जो है वो लोग ये जॉब नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर कम एजुकेशन है तो थोड़ी सी अपनी स्किल्स जो है उनको बढ़ाकर आइए यहां पर। तो ये हो गई है हमारी सेकेंड जॉब, जिसमें आपका जॉब मार्केट बहुत ज्यादा है जिन लोगों को, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा लोग डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो होता है वो सैलरी थोड़ी कम प्रोवाइड कराते हैं और चाहते हैं कि उनका जो वर्क है वो सारी चीजें वो हैंडल कर सके। और ये जो काम होता है ये मेनली वही लोग कर पाते हैं जिनकी एजुकेशन कम होती है, बट ये है कि हाँ थोड़े बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स सही है तो वो यहाँ पे जॉब कर लेते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो एजुकेटेड बंदा होता है तो वो चाहता है कि उसे हाई प्रोफाइल जॉब मिले और उसे सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत हाई मिले, तो इसीलिए वो लोग जो होते हैं इस जॉब को प्रेफर नहीं करते। तो इस जॉब के लिए भी ऑब्वियसली कोई ना कोई तो चाहिए होता है उन्हें, इसीलिए वो लोग प्रेफर करते हैं आप जैसे लोगों के लिए जिनके पास जो है एजुकेशन कम होती है और उन्हें नीड होती है जॉब की, और उन्हें सैलरी भी एटलीस्ट इतनी मिल जाए कि अपने सारे खर्चे वो पूरे कर सकें और कुछ अपनी सेविंग्स भी कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्वियसली अगर सारे एजुकेटेड बंदे ही यहाँ पर आ जाएंगे और उन्हें हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए होगी तो फिर इस जॉब के लिए कौन वर्क करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कम एजुकेशन वाले लोग जो होते हैं और मोस्टली जो लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं यहाँ पे फीमेल्स को। क्यों? क्योंकि फीमेल्स की वजह से ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि जो जो मार्केट होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो इसी वजह से वो लोग प्रेफर करते हैं कि हाँ यहाँ पे आके अगर फीमेल्स वर्क करेंगी तो उनका बेनिफिट ज्यादा होगा। बात कर लेते हैं थर्ड जॉब की, वो है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है, जैसे कस्टमर्स जो होते हैं उनकी जो क्वेरीज होती हैं उनकी जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको अपने आप से हैंडल करना पड़ता है, सारी उनकी क्वेरीज को उनके क्वेश्चंस को आपको जो है उनके आंसर करना पड़ता है और उन्हें वहां पर सेटिस्फाई करना होता है अपने आंसर से। तो वो सारी चीजें आप तभी कर पाते हो जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, जब आपका मेंटली जो सोचने की पावर है वो अच्छी होती है, तब आप ये सारी चीजें कर पाते हो। तो अगर आप लोगों के अंदर ये सारी चीजें हैं, आप
आप अगर वहां पे कस्टमर सर्विस के फॉर्म में अगर ये चीज कर सकते हो तो आप डेफिनेटली इस जॉब के लिए परफेक्ट हो, ठीक है। और यहाँ पे जॉब मार्केट जैसे मैंने और सारी जॉब्स में बताई है, यहाँ पे इसमें भी आपको काफी अच्छी जॉब मार्केट मिल सकती है यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ जॉब की, वो है आपकी डेटा एंट्री क्लर्क। इसमें आपको बेसिकली काम क्या करना होता है, जैसे आप जानते हो डेटा एंट्री, तो इसमें आपको सारी एंट्रीज जो है वो फिल करनी होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है मतलब जो सिस्टम है उस पर आपको सारी चीजें अपलोड करनी होती है, अप टू डेट रहना होता है कि क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या चीजें गई हैं यहाँ से, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको उस सिस्टम के अंदर सारी अपडेट रखनी पड़ती है, इसी को हम डेटा एंट्री की जॉब बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो ये आपकी कम एजुकेशन पे आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ जॉब की, वो होती है आपकी क्लीनर की जॉब, ठीक है। तो अब आप ये क्लीनर के वर्ड से आप ये मत सोचना कि ये जॉब बहुत छोटी होती है, बट हाँ अगर आप दुबई में आके यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे मॉल या फिर आप कुछ और भी कह सकते हो, स्टोर्स वगैरह भी होते हैं, तो वो लोग चाहते हैं एक ऐसा क्लीनर चाहते हैं जो फिजिकली फिट हो, भले ही उसके पास इतनी ज्यादा एजुकेशन ना हो बट वो फिजिकली फिट हो और वो जॉब ये इजिली कर पाए। तो जो लोग फिजिकली फिट होते हैं वो ये जॉब इजिली कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर अप्लाई करिए यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं सिक्स जॉब की, जो कि है हमारी नैनी की जॉब। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपको टेक केयर करनी होती है उन बच्चों की जिनके पेरेंट्स या तो फिर जॉब में चले जाते हैं या फिर उनका जो है कोई बिजनेस वगैरह होता है, तो वो लोग जो घर से बाहर रहते हैं बेसिकली, तो उन लोगों को चाहिए होती है कोई ऐसी लेडी चाहिए होती है जो उनके बच्चों का लुक आफ्टर कर सके, जो उन बच्चों की टेक केयर कर सके। तो इस चीज के लिए आपके पास कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं, वो है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेशेंस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए, और सेकेंड इज कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों के पास ऐसा कोई भी रहे जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है, तो वो लोग नहीं चाहते कि ऐसा कोई उनके बच्चों के पास रहे, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग एक्सपीरियंस हैं या कुछ इस तरीके से उनका पहले कभी बच्चों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई जरूर करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेवेंथ जॉब, वो है आपकी वेट्रेस की जॉब। मतलब आपको यहाँ पे जो है मेनली देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द होटल्स या फिर कोई ऐसे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वहां पे वो लोग प्रेफर करते हैं कि जो है लेडीज जो है वहां पे जॉब करें, क्योंकि उनका कस्टमर्स जो होते हैं वो इस वजह से काफी बढ़ जाते हैं, उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत ज्यादा डिमांड में आ जाती हैं, तो इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि लेडीज आके यहाँ पे वर्क करें जो कि ज्यादा एजुकेटेड नहीं होती हैं, उन लोगों को वो लोग ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका थोड़ा सा स्किल अच्छा देखते हैं, उसके बाद उनको ये जॉब मिल जाती है। और आपको पता ही होगा वेटरेस का काम क्या होता है, आपको सारे ऑर्डर्स वगैरह लेने होते हैं, सब कुछ आपको सिर्फ उनका जो ऑर्डर्स होते हैं उस तरीके से आपको सारे वर्क करने होते हैं, तो ये काम होता है वेटरेस का, ठीक है। तो जो लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। और अब आपको मैं बताऊंगी कि आपको किन वेबसाइट पे यहाँ पे करना चाहिए, तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो लिंक्डइन है वो सबसे बेस्ट ऐप है, तो आप लिंक्डइन पे भी अपना जो है प्रोफाइल बनाइए, आप डिविजिबल पे भी बनाइए, सब पर बना के आप सब पर डालिए, ताकि कहीं ना कहीं से रिवर्ट आने के चांसेस आपके पास जो होंगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं अपना इन सब चीजों में बढ़ाना, अपना ये सारी चीजें करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो वर्क करें इस चीज पर। तो बस आपको सिर्फ ये है कि अगर जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और मेनली जो लेडीज होती हैं वो नहीं पढ़ पाती हैं, उनको थोड़े बहुत जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि लेडीज को या फिर अपनी अपनी बेटियों को वो पढ़ाएं और पढ़ाकर ये है कि कुछ उस काबिल बना सके, तो वो लोग जिनकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाती है, जिनको वो एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो वो लोग अपने आप को कम ना समझें, वो लोग भी जॉब कर सकती हैं, और आकर यहाँ पे करिए, अपना करियर बनाइए। आपको यही चाहिए है कि हाँ आप कुछ करना चाहती हैं, इसके साथ नहीं जीना चाहती हैं आपके, हाँ आपके पास एजुकेशन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है तो आप उन लोगों से बहुत कम हुई, बट ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे आके अपनी जॉब ये वाली ले सकती हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकती हैं, यहाँ पर जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा आपको हर फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद आपकी सैलरी भी जो है उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।